भाई साहब, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सम्मानित सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति को कम तैयारी करनी पड़ती है। हमारे यहाँ संगठन चुनाव लड़ता है, कमल का फूल चुनाव लड़ता है और नमस्कार। कैथल शहर में नगर परिषद चुनाव को लेकर जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई हैं और हर जगह नगर परिषद चुनाव के चर्चे वो चल रहे हैं। अगर इसमें बात करें भाजपा की, तो भाजपा की आज जो नगर परिषद चुनाव के जो अध्यक्ष हैं कैथल के बनाए गए हैं, अम्बाला से विधायक असीम गोयल जी, तो उन्होंने मीटिंग भी ली है और मीटिंग में जो बातचीत भी हुई है। तो आज हम एक ऐसे चेहरे से बातचीत करेंगे जो वर्ष 1994 से भाजपा संगठन से जुड़े थे। तो क्या कुछ वार्तालाप हुई है? हमारे साथ संजय भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद हैं। अगर बात करें भाजपा जो चेयरमैन चुनाव में युवा में इनका नाम, संजय भारद्वाज का नाम सबसे ऊपर आता है। तो आइए जान लेते हैं किस तरह की आज वार्तालाप हुई है और चुनाव को लेकर क्या कुछ इनकी तैयारियां हैं। जी संजय जी नमस्कार। सर नमस्कार भाई साहब, सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। संजय जी, पहले तो ये बताइए, जैसे असीम गोयल जी जो अपने प्रभारी बनाए गए हैं चुनाव को लेकर, वो आज यहाँ आए थे, तो क्या कुछ वार्तालाप हुई है? देखिए, आज अंबाला से हमारे सम्मानित विधायक श्री असीम गोयल जी कैथल में संगठनात्मक बैठक लेने के लिए यहाँ आए थे। जैसा कि पार्टी संगठन की तरफ से उनको नगर परिषद चुनाव के लिए प्रभारी के नाते से उनको दायित्व दिया गया, तो इस प्रकार से उसको लेकर के पीछे भी पहली बैठक उनकी यहाँ हुई थी, तो आज दूसरी बैठक उनकी जो नगर परिषद के दृष्टि से, जो नगर में 104 बूथ हैं नगर परिषद में, उनके जो हमारे संगठन योजना के हिसाब से शक्ति केंद्र प्रमुख हैं या पालक हैं, इस प्रकार से उनकी संगठनात्मक बैठक लेने आए थे। और असीम गोयल जी की आपने बात करी, असीम गोयल जी मेरे बड़े भाई हैं और हमने संगठन में जब वो युवा मोर्चा में होते थे तो उनके साथ मुझे काम करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। बहुत ही हमारे जुझारू और हमारे अच्छे नेता हैं। कुछ नामों पर भी चर्चा हुई है? नहीं, आज किसी ऐसी कोई बैठक नहीं थी कि नामों पर, और ना असीम जी आज किसी से 1-to-1 ऐसा मिलना हुआ। एक सामूहिक बैठक संगठनात्मक, उसमें माननीय हमारे विधायक जी लीलाराम जी उपस्थित थे, पार्टी के जिलाध्यक्ष भी और अन्य सभी पदाधिकारी हम सब उपस्थित थे, तो बड़ी सकारात्मक माहौल में बैठक हुई और पार्टी ने कमर कस ली है। जल्दी ही पार्टी का अगला संगठनात्मक कार्यक्रम अगले हफ्ते तय हुआ है। जी संजय जी, अगर बात करें नगर परिषद चुनाव की, तो हर जगह शहर में यही चर्चा है नगर परिषद चुनाव को लेकर, और जो उम्मीदवार हैं वो भी कहीं ना कहीं कमर कसते नजर आ रहे हैं। तो अगर बात की जाए युवा चेहरे की, तो जैसा कि सुनने में आया कि संजय भारद्वाज का नाम उनमें सबसे ऊपर चल रहा है, तो क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी? तैयारियां भाई साहब, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सम्मानित सिपाही हूं और भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति को कम तैयारी करनी पड़ती है। हमारे यहाँ संगठन चुनाव लड़ता है, कमल का फूल चुनाव लड़ता है और सामूहिक पूरी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने आप को कैंडिडेट समझ करके चुनाव लड़ता है, तो पूरी पार्टी की ने ही कमर कस ली है। जैसा कि आपने अपने सवाल में कहा, तो उसी प्रकार से पूरी हमारी भारतीय जनता पार्टी और कैथल जिस प्रकार से और पूरे हरियाणा में चुनाव है, तो एक एक कार्यकर्ता इस काम में लग गया है। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से सबको विश्वास दिलाना चाहूँगा और अपील भी करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के काम को देखते हुए, आदरणीय मोदी जी के काम को देखते हुए, भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से जिताएं। और मुझे पूर्ण विश्वास भी है भारतीय जनता पार्टी जिस भी, चाहे मुझे अगर भारतीय जनता पार्टी आदेश करेगी और निर्णय करे कि संजय भारद्वाज यहाँ से चुनाव लड़े, तो मैं पूरा विश्वास दिला सकता हूँ कि भारतीय जिस प्रकार से 2019 के चुनाव में यहाँ से लोकप्रिय विधायक लीला राम जी पर पार्टी ने विश्वास किया और उन्होंने पार्टी की झोली में वो सीट डालने का काम किया, इसी प्रकार से मैं भी विश्वास दिला सकता हूं पार्टी को कि मैं भी पार्टी की झोली में ये सीट डालने का काम करूंगा। और अगर पार्टी मेरे अलावा, क्योंकि सभी योग्य कैंडिडेट हैं, ऐसा नहीं होता कि एक ही व्यक्ति योग्य होता है, तो जिसको भी मौका देगी संजय भारद्वाज, उसके लिए भी मजबूती से मेहनत दिन रात एक करके और भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करने का काम करेंगे। जी अगर संजय भारद्वाज का नाम कहीं ना कहीं टिकट जो उसमें आता है, तो क्या कुछ संजय भारद्वाज के चुनाव में मुद्दे रहेंगे? देखिए, मुद्दों की बात, हमारा शहर हमारा परिवार है, हम पूरा जीवन, मैं तो कहूँगा बेसिकली मेरा पूरा जीवन, मेरा जन्म भी कैथल का ही है, तो मुद्दे, एक तो मुद्दे वो होते हैं सार्वजनिक हैं हम सबके ध्यान में, और मैं भाई साहब आपको बताना चाहूँगा एक पूरा रोड मैप हमने तैयार किया है, क्योंकि मैं पूरा मन बना चुका हूँ और मुझे विश्वास भी है कि पार्टी मुझे चुनाव लड़ाएगी, तो एक रोड मैप मेरे पास तैयार है। और बाकी
जो भी जनता की तरफ से जो कोई और भी मुद्दे आएंगे उन सबको बड़े अच्छे से उनको वो करने का हल करने का काम करेंगे। और हमारा तो लक्ष्य यही है, मेरी पार्टी का भी और मेरा भी, कि एक आम नागरिक का जो जीवन है उसमें कितना हम सरलता ला सकते हैं, कितना उसको वो दे सकते हैं, तो ये सब मुद्दे रहने वाले हैं भाई साहब। संजय जी, जो अपने कैथल की जिला परिषद की सीट है चेयरमैन की, वो महिला के लिए आरक्षित है, तो अगर संजय भारद्वाज जी का नाम आता है तो कौन वो महिला कैंडिडेट होगी संजय भारद्वाज? नगर परिषद के चुनाव में मेरी श्रीमती, क्योंकि आपने प्रश्न किया और सबको पता ही है अब तो कि ये महिला आरक्षित है, तो मेरी श्रीमती उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त वो हैं। अगर पार्टी मेरी श्रीमती के नाम पर विचार करती है और उनको अवसर देती है तो सुषमा भारद्वाज मजबूती से चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को ये सीट हम भारतीय जनता पार्टी के खाते में डालने का काम करेंगे शहर की सम्मानित जनता के आशीर्वाद से। जी संजय जी, अगर बात करें बीजेपी की, जैसे बीजेपी के विधायक अपने लीला राम जी, मीटिंग भी हुई थी ब्राह्मण धर्मशाला में, तो वहाँ आप भी मौजूद थे, तो कहीं ना कहीं संजय भारद्वाज का नाम सुनने में आया था, तो पार्टी की ओर से मतलब किस तरह का अपने विधायक की ओर से आपको वो सहयोग मिल रहा है? एक बैठक माननीय विधायक जी के निवास पर जरूर हुई थी हफ्ता पहले, तो मेरे समाज के सम्मानित उसमें युवा साथी भी थे और मेरे समाज के सम्मानित बुजुर्ग सब लोग थे, और उन्होंने एक निवेदन किया था माननीय विधायक जी, क्योंकि विधायक जी बहुत बड़ी मुख्य कड़ी हैं इस चुनाव को लेकर के, तो विधायक जी से निवेदन किया था कि इस समाज ने 2019 के चुनाव में आपको 100% मतदान का आपकी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करने का किया था, तो समाज उनके उस पर गया था उसी बात को लेकर के, क्योंकि उस समय माननीय विधायक जी ने एक आश्वासन दिया था समाज को कि जब कभी जरूरत पड़ेगी समाज को मेरी तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, और विधायक जी अपनी जो बात है उसके बड़े धनी हैं, तो मुझे हमें समाज को पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट के लिए ब्राह्मण समाज के लिए विधायक जी बहुत जोर लगाएंगे, उन्होंने जिस प्रकार का वचन दिया है, तो हम पूरे आश्वस्त हैं कि ये जो चुनाव है भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर ब्राह्मण समाज का कैंडिडेट ही लड़ेगा, ऐसा हमें विश्वास है। संजय जी, किस तरह की आपकी तैयारियां हैं, अगर आपको कैंडिडेट घोषित कर दिया तो किस तरह की चुनाव को लेकर आपकी तैयारियां हैं? तैयारियां मैंने पहले भी आपने प्रश्न शुरू में किया था, तो हमारे यहाँ संगठन चुनाव लड़ता है, बाकी कुल मिला के रही तैयारी मेरी, तो हमने तो तैयारी शुरू कर दी है, चाहे लोगों से सुबह ही हम, मैं और श्रीमती का मिलना जुलना शहर के प्रमुख लोगों से, हर मतलब हमारा सम्मानित नागरिक 101 लाख से ऊपर जो हमारे वोटर हैं, तो हम मतलब एक योजना के तहत हर रोज अलग अलग वार्डों में मिलना जुलना होता है, और बहुत हौसले से बड़े जोश से हमारा जो उत्साह है जोश है वो सातवें आसमान पर है, हम टिकट भी हम लेंगे और जीत भी हमारी 100% पक्की होगी। अगर संजय जी आपको बीजेपी की तरफ से टिकट ना मिली तो भी चुनाव लड़ोगे निर्दलीय आप या नहीं? बिल्कुल, एंड पूरे तरीके से मैं जवाब दे रहा हूँ, अगर बीजेपी ने मेरे नाम पर विचार नहीं किया तो मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, इस बार की तो बात छोड़िए, अगले बार, उससे अगली बार, अगर अगले जन्म में भी भारतीय जनता पार्टी मुझे अवसर नहीं देती तो मैं कभी भारतीय जनता पार्टी के निर्णय के खिलाफ कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। मतलब सच्चे सिपाही हो आप, 100/100 इसमें, क्योंकि ये संगठन में सीखा ही हमने यही है। जी, तो अंत में जिलावासियों से क्या अपील करना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? बस जिलावासियों से मेरा यही निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी का शासन आप 2014 से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देख रहे हैं, तो और मोदी जी की सरकार हो चाहे हरियाणा में मनोहर जी के नेतृत्व वाली सरकारें, बड़ी संवेदनशीलता से एक एक नागरिक के लिए आप देख रहे हैं, मैं ये यूक्रेन वाला विषय जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विषय है, तो किस प्रकार से एक एक हमारे जो विद्यार्थी वहां पढ़ने के लिए गए हुए थे, मोदी जी ने कितनी संवेदनशीलता से उन बच्चों की चिंता की, और एक एक बालक को चाहे वो किसी भी स्तर पर कुछ भी मदद करनी पड़ी तो, और उस एक एक बालक को अपने देश में लाने का काम किया, तो मेरा यही निवेदन है नगरवासियों से, प्रांतवासियों से, भारतीय जनता पार्टी के झंडे को बुलंद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी का झंडा जब बुलंद होता है तो हिंदुस्तान मजबूत होता है,